मोटोरोला एक नया फोन लॉन्च कर रहा है 25 अप्रैल को, जो कि होने वाला है मोटो G52। ये एक 4G फोन है, लेकिन जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट फोन ऑफ दिस सेगमेंट। इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 7.9 मिलीमीटर, इसका जो वेट होगा वो होगा 169 ग्राम। तो काफी हल्का फोन है, काफी पतला फोन है, और जो बेजल्स भी है ना डिस्प्ले की वो बहुत ज्यादा कम है। तो आपको एक बहुत ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो या गेमिंग भी अगर आप करते हो, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन खाली ये चीजें मैटर नहीं करती फोन में, बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें फोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पे आपको मिलेगी 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, POLED पैनल है। यहाँ पे AMOLED पैनल नहीं है, POLED है, डिफरेंस है। POLED पैनल्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, जिसकी वजह से आप पतले फोन बना सकते हो, जो कि इस फोन की मेन हाईलाइट है। लेकिन ये सस्ते भी होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ यहाँ पे जो क्वालिटी, अगर आप AMOLED से कंपेयर करोगे, मतलब कलर्स हो गए, व्यू एंगल्स होंगे, स्लाइटली आपको क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा डिस्प्ले है, AMOLED तो नहीं है, लेकिन यस क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अब चलें बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, और जो चार्जर है वो है 33W का। कई कंपनीज अभी भी अटकी हुई है 15 और 20W के बीच में, तो आप मुझे बताना मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब चलें चिपसेट की तरफ, यहाँ पे अप टू दी मार्क आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई, पतला, हल्का और वो कम बेजल्स, वो मेन हाईलाइट है। यहाँ पे जो आपको चिपसेट मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन का 680। बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, लेकिन डेफिनेटली पावरफुल नहीं है। तो गेमिंग के लिए अगर आपको लेना है, हैवी टास्क के लिए अगर आपको लेना है, तो यहाँ पे ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको वैसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, चैटिंग, वीडियोस देखना, कंटेंट कंज्यूम करना, लेकिन आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी नहीं मिलेगी। और साथ साथ 4G चिपसेट है, तो 5G फोन अगर आपको लेना है तो वो भी यहाँ पे नहीं है। अब चलें कैमरास की तरफ, तो यहाँ पे आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रावाइड, 2MP का मैक्रो, डिसेंट कैमराज है, नॉट दी बेस्ट इन दिस प्राइस पॉइंट, लेकिन यस आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी फोटोज देखने को मिलेंगी, लो लाइटिंग कंडीशन में डेफिनेटली कैमरा स्ट्रगल करेगा। फ्रंट फेसिंग कैमरे की तरफ चलें, तो 16MP का सेल्फी शूटर है, अगेन डिसेंट सेंसर है। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप है अच्छा है, यहाँ पे कुछ भी खास आपको देखने को नहीं मिलता है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और साथ साथ फेस अनलॉक का भी फीचर मिलेगा, दोनों में से आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर साइड की बात करें, ये मेरा फेवरेट पार्ट है मोटोरोला फोन्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, तो नए आइकन्स, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, सारी चीजों का आप इस पे मजा ले पाओगे, और कोई फालतू के ब्लोटवेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज वेरियंट्स की बात करें, ये स्टार्ट होगा 6GB 128GB से। अब मेन चीज, किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च हो रहा है, तो ये लॉन्च होगा 17,999 रुपए का। ये लॉन्च होगा 25 अप्रैल को, मैंने आपको डेट ऑलरेडी बता दी थी स्टार्टिंग में, और फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला, तो आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज कर पाओगे। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा फोन है, एक नई चीज को यहाँ पे मोटोरोला टारगेट कर रहा है, एक नए यूजर्स को टारगेट कर रहा है, जहां पे परफॉर्मेंस मेन चीज नहीं है, ना ही कैमरास मेन चीज है, लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील है जो फोन का वो यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है। पतला फोन, हल्का फोन, कम बेजल्स के साथ डिस्प्ले, उस चीज को यहाँ पे मोटोरोला टारगेट कर रहा है। एंड आई नो काफी सारे लोगों को ये फोन बहुत पसंद आएगा, मुझे भी पर्सनली ऐसे फोन बहुत ज्यादा पसंद है। परफॉर्मेंस यहाँ पे यस मेन चीज नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ना भाई, वो काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे मोटोरोला लेकर आ रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट से बताओ, क्या आपको ऐसे फोन्स पसंद है जहां पे परफॉर्मेंस और कैमरास मेन हाईलाइट नहीं है, लेकिन फोन का ओवरऑल लुक एंड फील मेन चीज है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।